बाबा हाँ भक्ति मार्ग में वो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, इसका शिव को नमन करता हूँ। किसको झुकता हूँ? शिव को झुकता हूँ। लेकिन झुकना करना और झुकाना करना ये निराकार की बात है या साकार की बात होती है? है साकार की बात होती है, लेकिन भक्त इस बात को जानते हैं? वो तो नहीं जानते, ऐसे ही बोलते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाएंगे, शिव के लिंग का दर्शन करेंगे और कहेंगे ओम नमो शिवाय। उनकी बुद्धि में ये थोड़े ही बैठता है कि ये जो लिंग रखा है ये कोई बिंदु नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। इस लिंग रूप बड़े रूप में साकार रूप में जो शिव बिंदु प्रवेश करता है वो ही भगवान गॉडफादर है। तो बिना जाने ऐसे ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओम नमः शिवाय। ओम का भी अर्थ नहीं जानते। आ ओ मा, आ से ब्रह्मा, उ से विष्णु, मा से महेश। माने शिव की तीन मूर्तियां साकार में तैयार होती हैं, उनों को नमन करता हूं। ये तीन पार्टधारी दुनिया के ऊंचे पार्टधारी हैं, ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं। इसलिए ओम नमः बाद में आता है शिवाय। और रुको रुको रुको, हाँ बाबा भक्ति मार्ग में कहते हैं कि सोमवार के दिन खिचड़ी नहीं बनाना। भक्ति मार्ग में कौन सा सोमवार होता है, कौन से महीने में? सावन, सावन में। हाँ हर सोमवार को भी बोलते हैं, हर सोमवार को खिचड़ी खाते हैं? नहीं खाते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में जो सोमवार होता है उसमें नहीं खाते हैं। हैं? उसमें साबूदाना के खाते हैं। क्या बोल रहे हैं? साबूदाना खाते हैं, उसमें खिचड़ी नहीं खाते। श्रावण के महीने में वो सोमवार होता है, अच्छा हर सोमवार को खिचड़ी न बनाओ साल में, लेकिन लेकिन कब बनाओ? जो श्रावण का महीने में जो सोमवार आता है उसमें खिचड़ी बना के खाओ। और खिचड़ी में क्या क्या डाला जाता है? दाल, चावल, और हमको जरूरी नहीं आलू डालें सब लोग, दक्षिण भारत में तो आलू डालते ही नहीं है। तीसरी चीज बताओ क्या डालते हैं, जिसके डाले बगैर कोई खाएगा ही नहीं खिचड़ी। नमक डालते हैं, और फर्रुखाबादी नमक बहुत प्रसिद्ध है। क्या? फर्रुखाबादी नमकीन। तो वो नमक जब डाला जाता है दो के बीच में तीसरा, तो खिचड़ी तैयार हो जाती है। और वो खिचड़ी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों की खिचड़ी एक धागे में जाकर के मिलती है, तो उसे कहते हैं यज्ञोपवीत की ब्रह्मभास। तीन धागे हैं, एक धागा विष्णु का ज्ञान का धागा, दूसरा धागा ब्रह्मा के ज्ञान का धागा, स्नेह का धागा होता है ना, ऐसे ही तीसरा धागा शंकर के ज्ञान का धागा। शंकर के मुख से जो धागा निकलता है ज्ञान का, वो तीनों धागे मिलकर के जब एक गांठ बन जाती है तब उसे कहते हैं ब्रह्म फांस। क्या?
हाँ, तब कहेंगे ब्रह्म में बंध गए। तो सच्ची सच्ची खिचड़ी कौन से महीने में खाने को मिलता है? श्रावण के उस सोमवार को खाने को मिलती है, बाकी साल भर नहीं। और बाबा राम जी रावण बनते हैं, हाँ, तो श्याम से सुंदर बनने का पार्ट, श्याम सुंदर बनता है, ये कहाँ, ये अपोजिट है क्या? श्याम और सुंदर अपोजिट पार्ट हैं या एक जैसे हैं? अपोजिट हैं। जो श्याम है वो ही सुंदर बन जाता है, श्याम माने काला, तो काला पार्ट किसे कहते हैं? जो काला मुंह करे उसको क्या कहते हैं? काला पार्ट। दूसरे शब्दों में मुरली में बताया है कृष्ण ही अंतिम जन्म में कंस बन जाता है। कंस माना अपने ही घर में जो कन्या पैदा हुई उस कन्या को कोस लिया। कोसने का अर्थ तो जानते हैं ना, कोस लेना माने, कोस लेना माने क्या हुआ? जीने नहीं दिया, संसार में मुख दिखाने लायक नहीं रखा, ऐसा काम उस कन्या के साथ कर दिया, पत्थर से पटक दिया, जैसे कंस बन गया। तो सतो प्रधानता में कंस बनता है या हर आत्मा तमो प्रधानता में कंस बन सकती है? सतो प्रधानता में रावण बनती है कोई आत्मा जब परम धाम से नई नई आती है, या अंतिम जन्म के अंत में रावण संप्रदाय बनती है? अंतिम जन्म में बनती है, ये तो नियम है सृष्टि का। हाँ, कोई आत्मा स्त्री जन्म ज्यादा लेती है, कोई आत्मा पुरुष जन्म ज्यादा लेती है। जो पुरुष जन्म ज्यादा लेती है उसके लिए राम रावण कह दिया, और जो स्त्री जन्म लेती है उसके लिए कृष्ण और कंस अर्थात श्याम सुंदर नाम दे दिया है। ओम शांति। अरे एक कागज में से भी पढ़ लें, नहीं तो कहेंगे कि कागज में लिखा हुआ छोड़ देते हैं। बाबा गंगा निकलेगी तो शुद्ध ज्ञान जल निकलेगा, तो इस बात को विस्तार से बताइए। भक्ति मार्ग में कौन सी नदी है जिसके लिए ये गायन है कि सबसे शुद्ध और पवित्र जल उस नदी का ही होता है, जिस नदी को, जिस नदी के जल को शिव बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं। कांवड़िया होते हैं ना, तो दूर दूर से जल भर के खिलाते हैं गंगा का, और शिव का मंदिर कितनी भी दूर क्यों न हो वहां जाकर के सर पे चढ़ाते हैं। तो पार्वती सर पे नहीं बैठती है, कौन सर के ऊपर चढ़ती है? गंगा को सर के ऊपर चढ़ाई लिया। ऐसा क्या काम गंगा ने किया है? क्या सेवा की जो वैष्णवी ने नहीं की गंगा ने की है? क्या? अच्छा, वैष्णवी जो पवित्र नदी, जो पवित्र है, उसने ज्ञान नहीं फैलाया। तीन नदियां, तीन देवों की,
वो ज्यादा पवित्र हैं या गंगा ज्यादा पवित्र मानी जाती है देवियों के बीच? हैं? अरे तीन देवियां पवित्र ज्यादा नहीं मानी जाती? मानी जाती है। गंगा को तो उतना पवित्र नहीं मानते जितना तीन देवियों को मानते हैं। फिर गंगा का जल ही मुख में क्यों डालते हैं? गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। तो गंगा पहले निकलेगी या वैष्णवी देवी पहले निकलेगी? विजयमाला पहले निकलेगी है? गंगा पहले निकले, भले अंत में निकलेगी लेकिन गंगा पहले निकलती है। और गंगा निकलती है तब उसके पीछे पीछे कौन निकलेंगे? हैं? सन्यासी निकलेंगे। सन्यासियों का मुखिया कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह निकलेगा तो भीष्म पितामह को फॉलो करने वाले ढेर के ढेर सन्यासी गंगा जी के किनारे चौकड़ी लगा के बैठते हैं, वो भी निकलेंगे। बड़े बड़े मेले लगते हैं गंगा जी के किनारे, तो उन मेलों में ध्यान से जाके देखो तो चौकड़ी मार करके मेढक की तरह जो कोहनी जमा के बैठते हैं ना, टांगे इकट्ठी करके, वो कौन बैठे रहते हैं? सन्यासी होते हैं। और ढेर के ढेर सन्यासी निकल पड़ेंगे तब तुम बच्चों को क्या फायदा होगा? हैं? तुम बच्चों नहीं, तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। विजय होती है तभी माला का प्रभाव निकलेगा। माला प्रसिद्ध होगी या बिना विजय पाए प्रसिद्ध हो जाएगी? जैसे स्वयंवर होता है तो स्वयंवर में माला लेके घूमती है तो सबके गले में पड़ जाती है क्या? हैं? किसके गले पड़ती है? हैं? जो पावरफुल उसे दिखाई देगा कन्या को उसके ही गले में पड़ेगी। तो कहते हैं ना गले पड़ गई। क्या गले पड़ गई? अरे विजय गले में पड़ गई। क्या गले में पड़ गई? विजय माला गले में पड़ गई। तो ये गंगा और ये सन्यासी जब निकलेंगे तब विजय माला तुम्हारे गले में पड़ जाएगी, माना विजय माला की हेड भी निकलेगी। तब तक नहीं निकलेगी। कब निकलेगी? जब गंगा निकलेगी। तो पवित्र जल के आधार पर निकलेगी या मिक्स जल के आधार पर निकलेगी? अभी गंगा का जल मैला होगा या पवित्र होगा? अंत में गायन होता है, फिल्मों फिल्मों में गाते हैं लोग, राम तेरी गंगा मैली। ये आदि की बात है, ये अंत की बात है, हैं? अंत की बात है। और गंगा निकलती भी कब है? बेसिक में भी आदि में निकली, गंगे दादी नाम पड़ा, वो भी कानपुर की इंचार्ज। और एडवांस में भी निकलती है। क्या एडवांस में भी कब निकलती है? आदि में निकली लेकिन पता किसी को नहीं पड़ता है। कहां की इंचार्ज होगी? एडवांस में, एडवांस ज्ञान में कानपुर में उससे ज्यादा होशियार ज्ञान में कोई नहीं हो सकेगा। जब वो एडवांस
में बाप के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अभी सन्यासियों के साथ कनेक्ट है या बाप के साथ कनेक्ट है? अभी सन्यासियों के साथ कनेक्ट। जब बाप के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो बाप सर माथे पर चढ़ा लेगा। सर माथे पर अच्छी सर्विस करने वाले बच्चों को चढ़ाया जाता है या डिसर्विस करने वालों को चढ़ाया जाता है? अच्छी सर्विस करके दिखाएगी। जो बड़े बड़े सन्यासी हैं अभी बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में, उन्हें बड़े बड़े सन्यासियों की सेवा करेगी और उनको ज्ञान में एडवांस में निकाल लेगी। तो गंगा का जल डायरेक्ट जल होगा या इनडायरेक्ट होगा? है रुद्रमाला का बच्चा बच्ची कही जाएगी या विजयमाला का बच्ची कही जाएगी? रुद्रमाला का डायरेक्ट बच्चा। और कैसा बच्चा? जब एडवांस ज्ञान निकला उस समय शुरू शुरू में एक भी माता कन्या माता ऐसी निकली नहीं निकली जो इतना ज्यादा ज्ञान की गहराई को पकड़ने वाली हो। माताएं निकली लेकिन माताएं मोस्टली अपवित्र होती हैं बुद्धि से, तन और मन से, कि पवित्र होती हैं? है अपवित्र होती हैं, तो उतनी ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ पाती बुद्धि। और वो कन्या, कन्या जो है पवित्र बुद्धि होती है और उस कन्या ने एडवांस ज्ञान को सबसे जास्ती शुरुआत में सुना आदि में। तो ओल्ड इज गोल्ड होता है या नहीं होता है? टाइम की बात है। आदि में जिसने ज्ञान लेने का बहुत सहयोग दिया तो अच्छा हुआ या नहीं हुआ? अच्छी बात हो गई। अब गंगा तो किसका रचयिता? गंगा किनके ऊपर कंट्रोल करती है? सन्यासियों के ऊपर। माने एडवांस में जो और धर्मों की बीज रूप आत्माएं निकली, जो और धर्म वाले होते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं या निवृत्ति मार्ग के होते हैं? है? और निवृत्ति मार्ग के होते हैं मुखिया और धर्मों के, चाहे इस्लामी हो, चाहे बौद्धी हो, चाहे क्रिश्चियन हो। और धर्म वालों के जो मुखिया हैं उनकी सरपरस्त बन जाती है। वो पावरफुल आत्माएं हैं और धर्मों की या कमजोर आत्माएं हैं? आदि की बीज रूप आत्माएं हैं तो वो उनकी भक्त बन जाती है, क्योंकि आदि का ज्ञान उस गंगा रूपिणी कन्या ने सबसे जास्ती लिया। एडवांस ज्ञान वो फाउंडेशन तो अच्छा पड़ा ना। ऐसे दिल्ली में चार धर्मों के चार बीज निकले, उनमें से तीन दूसरे धर्मों के बीज थे या सूर्यवंशी थे? दूसरे धर्मों के बीज थे। और वो कुमार थे या कुमारी थे? बुद्धि कैसी थी? है? क्या अंतर होता है कुमार और कुमारियों? मान लो तीन कुमारियां निकली होती तो ज्ञान की धारणा में अंतर होता है या नहीं होता? होता। लेकिन कौन निकले? तीन कुमार निकले। अब वो कुमार हो चाहे अधर कुमार हो, बाबा ने सबको क्या कह दिया? दुर्योधन दुशासन। तो वो आदि में ही विरोधी बन गए थे। क्या
दिल्ली में ही निकले और दिल्ली में ही विरोधी बन गए। वो सन्यासी बाप के जब विरोधी बन जाते हैं, सबसे बड़ा विरोधी का वाक्य क्या बोलते हैं, शब्द कौन सा है जो विरोध पैदा कर देता है? भगवान सर्वव्यापी है, उन सर्वव्यापियों के बीच में मैं शिवो हम, वो भगवान बनकर के बैठ जाते। प्रैक्टिकल बातें हैं, तो जो भगवान बनकर के बैठ गए वो शिवो हम सन्यासी विरोधी तो बनते हैं, लेकिन विरोधी होने के बावजूद भी कन्याओं की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? है? फिर भी सन्यासी कन्याओं की पूजा करते हैं, माताओं की नहीं करते। क्यों? है? क्योंकि कन्या पवित्र होती है, और पवित्र होने के बावजूद भी अगर कन्या ईश्वरीय ज्ञान लेने वाली हो तो और ही अच्छे भगत बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो भगत बन जाते हैं। तो जिन बच्चों का संग मिला वो ईश्वरीय ज्ञान से पतित हो गए या ईश्वरीय ज्ञान में डटे रहे? हैं? पतित हो गए। ऐसे पतितों को पावन करने वाली गंगा बनती है। कैसे पतितों को? जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें भी जो मुख्य पावरफुल हैं, उनको भी पतित से पावन की स्टेज में ले आती है। ज्ञान जल के आधार पर या स्थूल जल के आधार पर? ज्ञान जल के आधार पर। तो ज्ञान जल के आधार पर उन सन्यासियों को भी बाप का बना के छोड़ेगी। तो आदि का संगठन जो आदि में था, दिल्ली से शुरू हुआ एडवांस ज्ञान, और जो आदि में संगठन पावरफुल था, स्थापनाकारी दिल्ली बनी एडवांस ज्ञान की, तो अंत में भी दिल्ली ही स्थापनाकारी बनेगी। लेकिन दिल्ली माना क्या है? बाप का दिल कौन? जगदम्बा। सभी धर्म वालों का दिल है जगदम्बा पर। सभी धर्म वाले दिल्ली की गोद में मनमाना राज्य करते रहे। बच्चा किसकी गोद में मनमाना राज्य करता है? किसकी गोद में बैठ करके नाक खींचता है, बाल खींचता है, जहां चाहता है वहां वैसा ही करता है? बच्चा अज्ञानी है कि ज्ञानी है? अज्ञानी है, इसलिए ऐसा करता है। तो हर धर्म वालों ने दिल्ली की गोद में राज्य किया। वो बच्चे बाप को पहचानने वाले हों या न पहचानने वाले, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला साहब की नजर दिल्ली पर है, बाप की भी नजर दिल्ली पर है। तो अब बताओ विजयी कौन होगा? हैं? बच्चे तो बच्चे हैं नंबर वार, और बच्चे उतने पावरफुल नहीं होते हैं, और बाप तो पावरफुल होता है। तो अंत में विजय किसकी होगी दिल्ली पर? बाप की विजय होगी। इसलिए वो विजय दिलाने का श्रेय किसको मिलेगा? है? गंगा को मिलेगा, क्योंकि गंगा ही सन्यासियों को निकालने की निमित्त बनती है। और वो सन्यासियों के लिए मुरली में बोला है कि जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो गंगा का जल है अभी पवित्र नहीं है। क्यों?
बाप से कनेक्शन नहीं है। नदी वो जिसका बाप से कनेक्शन हो। अगर नदी का जल का कनेक्शन बाप से नहीं है तो वो नदी नहीं है, नाला है, जिसमें जात जात का कचरा दृष्टि वृत्ति का पड़ता है, इसलिए वो मैली हो जाती है। ओम शांति। जब ज्ञान शून्य प्रत्यक्ष होगा, विदेशियों के मतों के अनुसार, क्योंकि विदेशी ही बात को प्रत्यक्ष करते हैं, तो घोर अंधकार की रात्रि जिस सेकंड में समाप्त होती है उसी समय शिवरात्रि मनाई जाती है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोर अंधकार की रात्रि नहीं हुई है, हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है? कब होगी? कब कहें घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि हुई? दुनिया वाले तो भौतिकता के अंधकार में डूबे हुए पड़े हैं। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी भौतिकता के अंधकार में पूरे डूबते जा रहे हैं। एडवांस में जो ब्राह्मण हैं, उनमें भी कहेंगे निश्चय अनिश्चय बुद्धि के भंवर में फंसते जा रहे हैं। जब पूरा ही अनिश्चय बुद्धि का अंधकार छा जाता है, सब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ये तीसरी दुनिया के लोग भी अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तब अज्ञानता की घोर अज्ञानता की महाशिवरात्रि कही जाती है। अभी तो फिर भी पहचान है ना, कुछ न कुछ पहचान है या भूल गई है? अभी भी बाप की पहचान है तो घोर अंधकार की रात्रि नहीं कहेंगे। ऐसा भी टाइम आने वाला है। सब अंधकार के गर्त में डूब जाएंगे। आठ बचेंगे या नहीं बचेंगे है? कुछ सेकंड के लिए वो भी नंबर वार डूबेंगे। तब कहेंगे घोर अज्ञानता के अंधकार की महाशिवरात्रि। और यही कहानी चल पड़ी है जिसमें शंकर पार्वती को अशोक सुंदरी पुत्री दिखाया गया है। अशोक मने कोई शोक नहीं, ड्रामा के ऊपर अटल निश्चय किसको था? ड्रामा में जो पार्ट चलता था
अच्छा हो बुरे से बुरा हो, लेकिन उस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता। फटाक से ड्रामा की ढाल आगे कर देते थे है? ब्रह्मा तो कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा शोक हुआ है या अशोक कर, अशोक शोक करने वाला हुआ है या अशोक हुआ? अशोक हुआ। तीसरी संतान दिखाई है, तीसरी संतान दिखाई है। अब तक तो दो ही संतान जानते थे, गणेश और कार्तिक। हाँ, तीसरी संतान मुझे दिखाई है। हाँ, किसको? अशोक सुंदर। अशोक को अशोक सुंदरी जो संतान दिखाया वो तीसरा संतान। हाँ, शिव पार्वती की जो तीन संतान दिखाए है, शिव पार्वती की संतान। हाँ, शंकर पार्वती। शंकर पार्वती को अशोक सुंदरी दिखाया है या उनकी संतान को दिखाया है? इनके बेटे दिखाया गया, बेटी को, उनकी बेटी दिखाया। उनके बेटी का नाम अशोक, कल्पवृक्ष से उनका जन्म होता है ऐसा बताया। पार्वती जो है कल्पवृक्ष से, उनको पार्वती कल्पवृक्ष से उनको जन्म देती है, पार्वती जन्म देती है। हाँ, ये नई कहानी बाबा, ये हाँ बाबा ने कभी इस बात को उठाया नहीं कभी। और बाबा ने जब तक नहीं उठाया तो हम क्यों उठाए? बाबा जितना शास्त्रों की सार को उठाते हैं उतना ही हम बढ़ाते हैं उसको। बाकी तो शास्त्रों का भूसा है या सार है। और गंगा की पवित्रता और वैष्णो की पवित्रता और काशी की पवित्रता, तीनों में अंतर क्या है? गंगा, गंगा की पवित्रता, गंगा की प्योरिटी और वैष्णवी की प्योरिटी, और वैष्णवी की प्योरिटी और काशी की प्योरिटी, और काशी की प्योरिटी, तीनों में अंतर क्या है? काशी की प्योरिटी काशी से पैदा होती है, काश्य मैंने योग बल, और वैष्णवी की प्योरिटी विष्णु से पैदा होती है। लक्ष्मी की प्योरिटी किससे पैदा होती है? नारायण से मिलता है ज्ञान या किसी और से मिलता है लक्ष्मी को? और तीसरा गंगा, गंगा सन्यासियों को संरक्षण देती है या गृहस्थियों को संरक्षण ज्यादा देती है? सन्यासियों को देती है। तो तीसरे नंबर में और तीसरा नेत्र दर्शा योग दो छेद का सब योग दे रहे थे विदुर को। हाँ, तीसरा नेत्र तरफ हाँ को जो बता रहे थे कि ये वो क्षेत्र में ही हो रहा है। हाँ, के लिए कहा गया है साक्षात्कार कराने वाला धृतराष्ट्र को विदुर था है? तीसरा नेत्र साक्षात्कार कराने वाला विदुर था है? कौन था? संजय था। और नाम भूल गए विदुर माने बी माने विशेष, विदुर माना विशेष जानकारी रखने वाला, बहुत ज्ञानी, नीतियां भी अच्छी थी उसमें, विदुर नीति आज तक गाई हुई है। वो बुद्धि का साक्षात्कार करता था या बदलावों का साक्षात्कार करता था? बुद्धि का साक्षात्कार करता था। और जोर से बोलना जरा, कृष्ण
आश्रम में कृष्ण का जो यादगार है, कृष्ण का, हाँ मुरली में क्या बोला है, भगाया, मक्खन चुराया, गायों को चराया, आज भी वाणी में बोला है। ये किसकी कथा है, प्रजापिता की कथा है। ब्रह्मा बाबा का नाम बाद में ठोक दिया, ब्रह्मा कुमारी संस्था निकाल दी। बाप का नाम उड़ाई दिया, तो ये कृष्ण का नाम डालना और बाप को उड़ाई देना, ये शूटिंग कौन करते हैं, है? है? ये वैश्य वाले ब्राह्मणों के द्वारा ये शूटिंग हो जाती है। कृष्ण का नाम डालना और बाप को उड़ाई देना। भले मुरली में तो बाबा ने बोला है कि प्रजापिता शब्द भी जरूर डालना चाहिए, ये भूल कर दी है जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रख दिया। ब्रह्मा थोड़े ही स्थापना करते हैं, बीज कौन डालता है, बाप डालता है, तो बाप का नाम तो होना चाहिए। सुजयंती के मनाते दीपावली, सुजयंती मनाते हैं, इसमें मोमबत्ती जलाना और केक काटना, ये जो प्रथा है ये ब्रह्मा बाबा के होते हुए शुरुआत जयंती जो मनाते हैं, तो कैंडल लाइट जलाते हैं और केक काटते हैं, कैंडल जलाना, केक काटना, ये विदेशी परंपरा है या स्वदेशी परंपरा है? विदेशी परंपरा। और विदेशी में मुख्य है क्रिश्चियंस, तो क्रिश्चियंस के तौर तरीकों को फॉलो कृष्ण ने किया है या राम ने किया है? बाबा दिखावे में ज्यादा विश्वास करते थे या सीधे साधे तौर तरीके अपनाते थे हीरे बेचने के लिए, दिखावा करते थे, तो ये दिखावे की परंपरा ब्रह्मा कुमारियों में दिया गई। ब्रह्मा कुमारियों में भी शिवलिंग बनाते बर्फ का, हाँ बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं बाबा जगह जगह, हाँ जगह जगह अभी कल आज और कल बहुत चीजें दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, तो जड़ लिंग बनाते हैं या चैतन्य लिंग बनाते हैं, वो तो जड़ लिंग बनाते हैं, उससे पतित पावन थोड़े ही बनेंगे। जो चैतन्य लिंग है उसकी बात है, बड़े बड़े बनाते हैं। हाँ हाँ, बड़े बड़े बनाने का मतलब बड़ा महत्व वाला है। और उनकी कोई परंपरा में देवी देवता सनातन धर्म का कोई भी आचरण नहीं दिखाई देता, चिंतन क्यों करते हैं? कोई क्या करता है उसे करना, तो जैसा करेगा वैसा करेगा। हम अपना पुरुषार्थ करें या दूसरों के पीछे पड़े हैं, देखना पड़ता है दूसरों को, हमें देखना पड़ता है, हमने अपने को देख लिया, पहले हम अपने को सुधारें कि दूसरे को सुधारें, हैं? पहले तो अपने को सुधारना चाहिए ना। और आज पांडव है, उनका एक बड़ा भाई है गढ़ पूरे पुत्र दिखा, महाभारत में पांच पांडव है, हाँ उनका एक बड़ा भाई है कर्ण, हाँ युधिष्ठिर, नहीं कर्ण, हाँ पूरे पुत्र, हाँ बेहद
कर्ण माने क्या है? मुरलियां सुनते रहो रोज रोज, नहीं तो कोई बात है बार बार पूछते रहोगे, बार बार जवाब मिलेगा। कर्ण माने क्या? कान। कान किसके सबसे बड़े थे? है जो सबसे पहले सुनता था। कौन सुनता था? ब्रह्मा बाबा सबसे पहले सुनते थे। वो कान तो सूर्य का पुत्र है, कारण कृष्ण की आत्मा है, कोई दूसरी आत्मा है? कृष्ण की आत्मा है। और कृष्ण का जन्म किससे होता है? है ज्ञान सूर्य से ही जन्म होता है या कोई और से जन्म होता है? ज्ञान सूर्य से ही जन्म होता है। बाबा कर्ण को समझाते हैं, कर्ण को जैसे समझाते हैं, आप पांडव के बड़े भाई हो, आप यहाँ पे आ जाओ, मतलब अपने भाइयों को क्यों कर रहे हो? तो कर्ण बोलता है कि मैं तो सत्य हूँ, मतलब ऋणी हूँ गुरुजन का, जो भी हो या अपने भाइयों से पाने के लिए आता, नदी में लड़ाई करूँगा क्योंकि मैं ऋणी हूँ। वो मतलब मैं उसका ऋण नहीं गुजरता, उसका ऋण कैसे उठा रहेगा, कैसे मतलब आता नहीं है उसमें। बहुत मुश्किल लोग समझाते हैं कर्ण को कि आप अपने भाई को जन्म दिया, भाई उससे बड़े होगा, उससे बड़े भाई होगा, तो आप हमारे बोलता मैं दुर्धन का ऋणी हूँ, उन्होंने मुझे सम्मान दिया था, इज्जत दिया, मैं दुर्धन का खाते हूँ। जो अन्न खाते हैं, नमक खाते हैं, तो उनका मान रखना पड़े कि नहीं रखना पड़े? है रखना पड़े तो वही बात उसने बोली। सारा जीवन उनका नमक खाया और मैं उनको धोखा कैसे दे दूं? और काला तीन महादेव को क्यों चढ़ता है? काला तीन, हाँ महादेव को क्यों चढ़ता है? हाँ, अनाजों में सबसे छोटा होता है दालों में या बड़ा होता है? सबसे छोटा होता है। और तिल भी दो प्रकार के होते हैं, एक सफेद और एक काला। ज्यादा गुणवान कौन सा होता है? काला तिल, जो बहुत काला हो जाता है उसी को आके बाप गोरा बनाते। इसलिए यज्ञ करते हैं तो भी तिल झोंकते हैं यज्ञ कुंड में। और नमक की क्या विशेषता है? नमक के लिए कहा जाता है, नमक के लिए इतना क्या विशेषता है इसको खाने पर? नमक बिना बहु व्यंजन पीके, जो भी खाने पीने की चीजें बनाई जाती हैं उसमें अगर नमक ना डाला जाए तो वो काम का नहीं रहता। तो खाना पीना जो है वो बेहद में क्या है? है बेहद का अनाज क्या है? ज्ञान। ज्ञान तो पीने की चीज है, ज्ञान जल याद, याद जो है हमारा भोजन है। और उस याद रूपी भोजन में नमक क्या है? जो सागर से निकलता है, है? है सार। हाँ परपादी नमक बहुत पसंद है, परपादी नमकीन। तो जब तक वो नहीं निकले तब तक सारे व्यंजन बेकार, सारी मुरलियां है
बेकार कोई काम की नहीं। रस तभी आता है जब उसमें वो नमक डाला जाता है। नमक कई तरह के होते हैं। हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा कौन सा खाया जाता है? फिर और नमक की पैदाइश भी कहाँ ज्यादा होती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी होती है, गुजरात में भी होती है। और कैसे साबित करें कि आत्मा यहाँ रहती है कि कहाँ रहती है? समझाने के लिए ऐसे ही समझाओ कि जब हम देखते हैं किसी को तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं या छाती में देखते हैं या टांगे देखते हैं, किसको देखते हैं? आंखों की तरफ देखते हैं। तो जरूर आंखें महामंत्री और प्रधानमंत्री का काम करने वाली है, उनके बीच में राजा रहता है आत्मा। दूसरी बात, शरीर के कोई अंग में गोली मारो तो बचे रहने की संभावना है। इंदिरा गांधी को 27 गोलियां लगी क्योंकि मारने वाला जानता नहीं था आत्मा कहां रहती है, तो छाती में ही सारी गोलियां डाल दी। अगर मालूम होता तो एक ही गोली काफी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो स्थान है प्रकृति का मध्य, जहां अगर एक ही गोली दाग दी जाए तो आत्मा उड़ जाती है। तीसरी बात, इस शरीर में इंद्रियां ही मुख्य पार्ट बजाने वाली है, और इंद्रियों में मुख्य इंद्रियां कौन सी हैं? और उन आंखों के बीच में ही वो राजा बैठता है। ये शरीर का राज्य है, तो शरीर रूपी राज्य में राजा ऊंची गति पर बैठता है। तो इससे भी साबित हो जाता है कि आत्मा कहाँ है, हृदय में है या प्रकृति में है। और हाँ जी, विष्णु वाली आत्मा को अपना चेहरे बीमार है कि मैं गीता का भगवान हूँ, वैसे राम वाले आत्मा को चेहरे बीमार है कि उसका नीचे पतन हो रहा है। आखिरी में राम वाले आत्मा का नीचे पतन कैसे होगा? सबसे पहला सवाल है कि राम वाली आत्मा का पतन कहाँ होता है, किस टाइम पर होता है? है अंत माने कब? द्वापर के अंत में। हाँ, अंत माने कब? बाबा ने बोला कि राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। वो तो ठीक है, जो पावन बनता है वो पति भी बनता है, और जितना पावन बनता है उतना ही पति भी बनता है। तो वो तो क्लियर बात है कि राम बनता है तो रावण भी बनता है, इसमें नई बात क्या हो गई? जो राम बनेगा सारी दुनिया के हृदय में रमण करेगा तो वो ऊंचे से ऊंचे पाटधारी हो गया, और जब नीचे बनेगा तो नीचा पाटधारी कहे जाएगा या ऊंचा कहा जाएगा?
नीचे पाठधारी की पूजा होती है या ऊंच की पूजा होती है? रावण की कोई पूजा करता है क्या? है नहीं करता है। तो जब रावण बनता है तो सारी दुनिया रावण संप्रदाय होती है या दूसरा संप्रदाय होती है? है रावण संप्रदाय सारी दुनिया बन जाती है। तो जब सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन गई तो उनका भी कोई बाप होना चाहिए कि नहीं? है जिसका कोई बाप नहीं होना चाहिए? है नहीं? तो वो पतित से पतितों का भी बाप है, ऊंचे से ऊंचे पाठधारियों का भी बाप है। बाप माने बीज, वो सबका बीज है, पापियों का भी बीज है और पुण्यात्माओं का भी बीज है। दादी में प्रवेश करती है तो दादी का चेहरा बदल जाता है। जब दादी में प्रवेश करती है तो दादी का चेहरा बदल जाता है। और दादी का अपने अवयव राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है तो चेहरा बदलता है। राम वाली आत्मा जो है वो बीज रूप आत्मा है या गुलजार दादी की तरह आधार मूर्त आत्मा है? बीज ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ रूपी आधार ज्यादा पावरफुल होते हैं? तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ ना क्यों नहीं बोलते है? हाँ तो राम वाली आत्मा के नजदीक आते ही कृष्ण की आत्मा बीज रूपी से धारण कर लेती है। जैसे शिव बीज रूप है, शिव आते हैं तो ब्रह्मा बाबा को पता लगता है या नहीं लगता? लगता था है? नहीं लगता था। ब्रह्मा को भी पता नहीं लगता था कि शिव बाबा कब आया कब चला गया। ये बीज रूप आत्मा की पहचान है। ब्रह्मा की सोल भी अभी दो पार्ट बजाती है, तीसरा शरीर उसका नष्ट हो गया। हर एक आत्मा को तीन शरीर होते हैं, कारण शरीर अर्थात बीज रूप बिंदु आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो ब्रह्मा बाबा का कौन सा शरीर खत्म हो गया? स्थूल शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन कौन कौन से शरीर में अभी वो आत्मा पार्ट बजाय रही है, अस्तित्व तो है। दो प्रकार के शरीरों में उसका अभी भी अस्तित्व है, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा कारण शरीर, बीज रूप स्टेज। तो गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाती है। जैसे और मनुष्यों में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो उनका चेहरा मोरा बदल जाता है, जिनमें प्रवेश करते हैं वो आत्माएं कमजोर होती हैं या पावरफुल होती हैं प्रवेश करने वालों के मुकाबले? कमजोर होती है, इसलिए चेहरा मोरा बदल जाता है। तो गुलजार दादी का चेहरा मोरा बदलने का कारण क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर की प्रवेशता। और राम वाली आत्मा का चेहरा मोरा क्यों नहीं बदलता? क्योंकि जो प्रवेश होने वाली आत्मा है वो बीज रूप स्टेज वाली है। राम वाली आत्मा तो पहले से ही बीज रूप स्टेज में, चेहरा मोरा बदलने की बात ही नहीं। और राम वाली आत्मा प्रभावित होने वाली है या कृष्ण वाली आत्मा प्रभावित होने वाली है? राम वाली आत्मा दुनिया के किसी भी आत्मा से प्रभावित नहीं हो सकती, कृष्ण की आत्मा को फिर भी अंत में प्रभावित होना पड़े। अगर प्रभावित ना हो तो कृष्ण बच्चे के रूप में सतयुग में प्रजा भी न बने, अपने बाप का बच्चा भी न बने। और
जाने के बाद राम वाली आत्मा को कैंसर मैसेज होगा। और भूत प्रेत आत्मा है, एक व्यक्ति में प्रवेश करती है, उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, बातचीत बदल जाती है, फिर वो आत्मा उस शरीरधारी को छोड़ के दूसरे में प्रवेश कर जाती है। तो जिसमें पहले प्रवेश किया था उसको कैसा लगता है? हैं? अच्छा लगता है, तो ऐसे ही अच्छा लगता है, बुरा क्या लगता है? हाँ, जोर से बोलो। वास्तुशास्त्र क्या होता है? वास्तुशास्त्र क्या होता है? वास्तुशास्त्र क्या होता है? वस्तु, वस्तु का, वस्तु का बच्चा है वास्तु। क्या देखा जाता है? क्या वो सही है? क्या क्या लेते समय वास्तुशास्त्र देखा जाता है कि वो सही है क्या देखना है? अगर वो सही है तो इस दुनिया का विनाश होगा या नहीं होगा? दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और वास्तु का आधार लेके बनाते हैं, तो विनाश होगा या नहीं होगा? तो वास्तुशास्त्र कहां भाग जाएगा? साल का है तो इस 2 साल में उसकी भी इन्वेंशन होती है शास्त्रों की। क्या होगी? इन्वेंशन तो प्रयोग लगते हैं शास्त्रों को, इन्वेंशन की शोध लगता है, खोज लगता है। जितने भी खोज लगते हैं शास्त्रों के ऊपर, ये एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिषी शास्त्र, उसका कितना महत्व है प्रसन्न युग में, जो एक व्यक्ति का भविष्य बदल सकते हैं। सही वशिष्ठ है, बड़े भविष्य वेत्ता थे या नहीं थे? थे। शास्त्रों के जानकार महर्षियों में मुखिया थे या नहीं थे? है? थे। उन्होंने राम के विवाह में सक्रिय सहयोग लिया वास्तुशास्त्र को, उसका भविष्य का या नहीं लिया, भविष्य वेत्ता का? है? फिर क्या हुआ? आज में ही ऐसी स्थिति हो गई तो अंत में बिगड़ी हुई स्थिति होगी, अच्छी होगी? है? अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए या भविष्य वेत्ताओं पर विश्वास करना चाहिए? अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। हमारे कर्मों में परिवर्तन होगा तो ये हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाएंगी। इसी शरीर से सत्य हो जाना है ना? शरीर में चांदी सोना कुछ भी रहेगा, शरीर का साथ जाएगा। चांदी सोना तो शरीर के साथ जाएगा, चांदी सोना शरीर के साथ जाएगा। अभी पेट में जितना चांदी सोना खा लेंगे उतना साथ जाएगा। खा जाओ सर, पेट में खा जाएंगे तो साथ में क्यों नहीं जाएगा? सोना भस्म बनाई जाती है, रजत भस्म बनाई जाती है, ये खाने के लिए बनवाई जाती है या रखने के लिए बनाई जाती है? खाने तो बनवा लो और खा जाओ, नहीं पसंद आया बैंक में ही रखेंगे। नहीं मिला
राम बाप का जो प्रत्यक्षता हुई वो विदेशियों ने की या स्वदेशियों ने की? तो विदेशियों को वर्षा मिलता है कि नहीं मिलता है? विदेशियों को पाप का वर्षा मिलता है? अरे बोलो, विदेशियों को बाप का वर्षा स्वर्ग मिलता है? हाँ स्वर्ग। हाँ, जो प्रत्यक्ष करने वाले हैं वो विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो विदेशी हुए या स्वदेशी हुए? विदेशी हो गए। बाप का वर्षा अभी तक भी किसी को नहीं मिला है। जब अटल निश्चय बुद्धि हो जाएंगे तब ही मिलेगा। और देवी देवता के रूप रूप नहीं होता है? नहीं, शास्त्रों में वरुण देवता, इंद्र देवता का, वायु देवता का, अग्नि देवता का रूप दिखाया है या नहीं दिखाया है? रूप तो जरूर होता होगा देवताओं का। चैतन्य रूप है। परिवर्तन होता है ना? आधा विनाश होता है द्वापर युग के आदि में। हाँ जब अंत होता है तब तमो प्रधानता त्रेता युग की है, द्वापर युग की सतो प्रधानता नहीं कहेंगे। द्वापर युग की सतो प्रधानता द्वापर से जब आदि होता है, जब द्वैतवाद शुरू हो जाता है, एक एक धर्म की जगह दो दो धर्म, दो दो धर्म पिताएं, दो दो मतें, दो दो कुल, दो दो भाषाएं हो जाती है, तब द्वापर युग की आदि कही जाती है। उस समय द्वापर के आदि में जो शास्त्र बनाए गए उनमें फिर भी सच्चाई थी, फिर बाद में उनकी व्याख्याएं होती गई, झूठ मिक्स होता गया, होते होते अभी कल युग में तो पता हो गए। शादी कराओ सबके बाप है, ऐसे बाप है जो कन्या को विश्व व्यवस्था में है, कन्या को विश्व व्यवस्था में निकलते थे। अरे ज्ञान में नहीं चलती तो वो अपने आप जा रही है गड्ढे में या बाप ढकेल रहा है? बाप ढकेल रहे है। बाप ढकेल रहा है, बाप ढकेल रहे हैं। बाप को जब ज्ञान में नहीं चल रही है माने अज्ञान में चल रही है ना, अज्ञान में चल रही है तो उसकी बुद्धि वैश्यावृत्ति की तरफ जा रही है, वैश्याओं की दुनिया में जा रही है या देवताओं की दुनिया में जा रही है? अरे रुको रुको, बुद्धि किसकी जा रही है गड्ढे में? कन्या की। तो शुरुआत किसने की? कन्या ने शुरुआत की। और कन्या वापस नहीं आना चाहती है ज्ञान में, अगर उसको शादी न की गई और वो किसी के साथ मुसलमान के साथ भाग गई तो माँ बाप का काला मुंह करके जाएगी या गोरा मुंह करेगी समाज में? बताओ बताओ, हम जो पूछते हैं उसका जवाब दो पहले। क्या बराबर है? हाँ जी, मजबूरी से। फिर वही मजबूरी, मजबूरी से बाप ज्ञान में चला रहा है। हाँ, बात ज्ञान में चलाने से भी नहीं चलती, चलती है।
वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ बाप को बुद्धू बनाने की बात है। मौका मिलेगा तो भाग जाएगी। बाप बहुत स्ट्रिक्ट है, बाप बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए ना, लूज होना अच्छा है या स्ट्रिक्ट होना अच्छा है? बाप स्ट्रिक्ट होना चाहिए या माँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए? फिर बाबा वही बाप कन्या को विश्व व्यवसाय में बदलता है तो उसकी शूटिंग क्या है, यानी उसको क्या कहेंगे अगर उसकी शादी करने की इच्छा है उस लड़की की? उसकी शादी करा दी। हाँ, तो उसकी एक्सेप्ट नहीं, उसके पास पैसा नहीं है। जहाँ शादी करा दी वहाँ? नहीं नहीं, लड़की की शादी करने की इच्छा है, ज्ञान में नहीं चलती है। पर बाप की पैसे की ताकत नहीं उसकी, पैसे पैसा नहीं उसके पास। तो वो बाप अपने बेटी को वैश्य व्यवसाय में डकलता है तो उस बाप को क्या कहती है? बाप को अच्छा कर्म करने के लिए बोला कि बुरा कर्म करने के लिए बोला? शादी करना माने एक का बनाना, और वैश्यवृत्ति में डालना माना अनेकों को बनाना। लेकिन बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया? एक का बनाने के लिए बोला या अनेकों का बनाने के लिए बोला? वैसा नहीं बोला है। हाँ, कैसा नहीं बोला? वैसा हो नहीं रहा है, उसके पास पैसा नहीं। परिवार में बहुत सारी कन्याएं हैं। पैसा कमाना न कमाना आदमी के हाथ में है। बहुत कन्याएं हैं, बहुत भी पैदा करने वाला कौन है? फिर किसी बात उस बात बेटी को विषय व्यवसाय में ढकलते हैं तो उस बात को क्या कहने? बाबा ने तो डायरेक्शन नहीं दिया ना। जो बाबा ने डायरेक्शन नहीं दिया है और वो काम कोई करता है तो गड्ढे में गिरेगा या ऊपर जाएगा, बस खत्म बात। बाबा ने तो शादी करने के लिए बोला, एक का बना के छोड़ दो उसे। रही सा परिवार नहीं मिलता है, कोई गरीब को दे दो। ये सनी की कहावत है कि जिसके घर में लड़की है वो मुर्गी का सोने की अंडी हो गई, यानी अंडा देने वाली मुर्गी हो गई, ऐसा पता थे। तो आज तो ये सही है क्या बाबा, ये सनयुग में जिसके पास कन्या है बेटी है उसे सोने कमाओ, पैसा कमाने के माध्यम। ये कौन कहता है? बाबा कहते हैं क्या कि कन्या सोना कमाने का धंधा बनाया जाए? बाबा कहते हैं। दुनिया की कहावत को क्यों पकड़ते हैं आप? आप सुनी सुनाई बातों के आधार पर क्यों चलते हैं? हमने देखा है। क्या देखा है तुमने? तुमने श्रीमत के विपरीत चलने वालों को ही क्यों देखा? तुम्हारा जन्म जन्मांतर का संबंध किससे रहा है? बाप से रहा? झूठ बोल रहे हैं। शुभ कामना करो, शुभ भावना करो। बाप का काम बाप के ऊपर छोड़ दो, आप अपनी सोचो। क्या ढेर सारी कन्याएं हैं दुनिया में जो ज्ञान में नहीं चलती हैं, बाप चलाना चाहता है। हम उनका चिंतन करें या अपना चिंतन करें? और कुमार भी तो ढेर सारे हैं जिनके बाप उनको ज्ञान में चलाना चाहते हैं, उनके ऊपर दया नहीं आती तुमको? कुमार हो कि अदर कुमार हो? कुमार। हाँ, ठीक है, अभी ठीक है। और मैं माँ बाप को संभाल रहा हूँ। हाँ, ओम शांति।